हमारे देश में महिलाओं का अपमान करना अपराध माना जाता है, अपराध है भी, लेकिन अगर एक केंद्रीय मंत्री ही सड़क की तुलना हेमा मालिनी के गाल से करते हुए महिलाओं के सामने ही हंसने लग जाएं तो क्यों ना दस्तक दी जाए। सबसे पहले सीधे परिचय सुनिए। हमारे क्षेत्रीय सांसद सम्मान्य हम सब के बीच, ये देश के इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री हैं। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में जलनल योजना का शिलान्यास करने पहुंचे। महिलाओं के प्रति सम्मान को लेकर मंत्री जी की आंखों का पानी कितना सूख चुका है इस बयान से समझिएगा। उस गांव में ये जो रोड तो अच्छा बना दिए हेमा मालिनी के गाल जैसे रोड। अपनी पार्टी की महिला सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी का नाम लेकर जब ये उनकी गाल जैसी सड़क बनाने की बात करते हैं तो इनके हाथ का इशारा देखिए और देखिए बगल में खड़ी हुई महिलाओं को, जिनके सामने ऐसी बात कहने से केंद्रीय मंत्री को रत्ती भर भी शर्म नहीं आई। उस गांव में ये जो रोड तो अच्छा बना दिए हेमा मालिनी के गाल जैसे रोड। काश फग्गन सिंह कुलस्ते ने खुद अपनी पार्टी की सांसद हेमा मालिनी का पिछले साल दिया गया ये बयान सुना होता। ऐसा करना नहीं चाहिए। इफ नॉर्मल कॉमन पीपल टॉकिंग यू कैन एडजस्ट दैट, बट इफ इट इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एनीबॉडी कनेक्टेड टू आवर कॉन्स्टिट्यूएंसी, इट इज आई डोंट थिंक इट्स इन अ गुड टेस्ट। Any women should not be used for saying ki, that. फगन सिंह कुलस्ते जैसे ही जनप्रतिनिधियों को कम से कम पहले अपने विभाग के या दूसरे इंजीनियर से समझ लेना चाहिए कि सड़क अच्छी बनती है तो उसे तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है। इसके लिए हेमा मालिनी के गालों से तुलना करने की फिर जरूरत इनको नहीं पड़ेगी। डेविड सूर्या, डिंडौरी, मध्य प्रदेश, आज तक।